चंबा जिला में दिन प्रतिदिन कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा अन्य विभागों का भी सहयोग लिया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमित लोगों के प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स को तलाशा जा सके, रोगियों को दवाइयां दी जा सके व कोरोना रोगियों को हर संभव सहायता पहुंचाई जा सके। इस विषय को लेकर चंबा के बचत भवन में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला की आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी करण हितैषी द्वारा आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके क्षेत्रों में जो कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स तलाशने और कोरोना रोगियों की हर संभव सहायता बारे जागरूक किया गया। नाम डॉक्टर करण हितैषी है, मैं इस समय डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि चंबा शहर में, चंबा जिला में एक स्टीप सर्ज आया है कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को लेकर के। तो शहर में क्योंकि हमारी थिक पॉपुलेशन है और हमारे पास यहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज भी चल रही है, तो इंटर डिपार्टमेंट कोऑपरेशन के साथ हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा यदि हम इस चीज़ पे जल्दी से जल्दी रोक लगाना चाहते हैं। तो इसलिए आज हमने एक इमरजेंसी मीटिंग, CDPO मैम की तरफ से भी हमें पूरा सहयोग मिला है और हमने एक मीटिंग आयोजित यहाँ पे करी थी, जिसमें हमने प्रॉपर सोशल जो हमारे पास गाइडलाइंस है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से उसको फॉलो किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजर का पूरा ख्याल रखा गया और यहाँ पे जितने भी लोग थे वो फुली वैक्सीनेटेड थे। तो यहाँ पे ने हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेके कुछ प्रॉब्लम आ रही थी शहर पे, दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूशन में लेके प्रॉब्लम आ रही थी, हमारे जो रेफरल थे कई जगह पे एक आधे केस में वो लेट रेफरल हो रहे थे। इन सभी प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए थोड़े से दिशा निर्देश जो है सभी लोगों को दिए गए हैं और आपसी सहयोग के साथ हम काम करें ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं हम प्रदान कर सकें, इस बारे में इनको निर्देश दिए गए हैं। धन्यवाद। यहाँ पे आज जो मौजूद लोग थे उनमें हमारे पास आंगनवाड़ी वर्कर थे, हमारी आशा वर्कर थी, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमारे चिन्हित टीम्स हैं वो यहाँ पे मौजूद थी। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे स्वयं मौजूद था और हमारे साथ CDPO मैम भी यहाँ पे मौजूद रहे। सर, इनको दो तीन पॉइंट्स आपने एड्रेस किए हैं जो मैंने बताया क्या जी क्या वो? एक तो हमने इसमें इनको ये ड्यूटी करी कि विद इन टाइम बाउंड मैनर में जो है विद इन 1 आवर 2 आवर जो है एक दो घंटे के अंदर ही जो भी हमारे पॉजिटिव पेशेंट आते हैं उनको ये आइसोलेट कर दें। जैसे ही आइसोलेट करते हैं उसी टाइम उनको मेडिसिन भी प्रोवाइड करी जाए। उसके साथ साथ इनको बताया गया कि ऑक्सीमीटर से कैसे सैचुरेशन चेक करी जाती है ताकि जिनकी सैचुरेशन कम आती है उनको उसके अकॉर्डिंगली फैसिलिटीज़ में भेजा जा सके। और इसके साथ इनको ये भी बताया गया कि हर दिन जो जाके आपने किस तरह से उनकी मॉनिटरिंग करनी है, बस इन्हीं सारी चीज़ों को इनको बताया गया। इसके साथ साथ प्राइमरी कॉन्टैक्ट जो हम यहाँ पे देख रहे थे वो बड़े कम आ रहे थे, तो इनको हमने आज बता दिया गया कि किस तरह से प्राइमरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है और जो लोग प्राइमरी कॉन्टैक्ट के लिए सैंपलिंग के लिए नहीं आते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस प्रशासन की तरफ से उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी करी जा सकती है, ये भी इनको बता दिया गया है। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।